हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट सिस्को के इंटरव्यू राउंड्स। सो देयर विल बी टोटल 4 राउंड्स जनरली। सो ज़्यादातर वो लोग 4 ही राउंड लेते हैं। फर्स्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, देन टेक्निकल 1, टेक्निकल 2 एंड देन HR प्लस मैनेजरियल। और ये वाला जो मैनेजरियल है, इस वाले में भी हो सकता है। ओके तो ये बेसिकली 4 राउंड का प्रोसेस होता है, जिसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है ऑनलाइन टेस्ट। और ऑनलाइन असेसमेंट में आपके टोटल, देखो सबसे जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है टेक्निकल क्विज टाइप। उसमें 25, इस बार जो पैटर्न आ रहा है वो तो यही आ रहा है, ठीक है। इस बार का पैटर्न अभी यही आया है रिसेंटली। तो इसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और एक कोडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 25 आपका जो होगा वो मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा और एक होगा कोडिंग क्वेश्चन, विच वर डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस ऑफ ड्यूरेशन 1 आवर। ओके, 1 आवर का आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा और 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं आपके क्विज वाले क्वेश्चन। ओके तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका, देखो वो होता है एप्टीट्यूड। अब जो एप्टीट्यूड होता है वो मैं कहूँगा इसका जो लेवल होता है वो ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है इसका। मतलब जो सर्विस बेस्ड कंपनियां पूछती हैं ना एप्टीट्यूड, उससे तो आपको थोड़ा सा ईजी मिलेगा। बिल्कुल जनरल वाले क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वरी होने की चीज़ नहीं है। बस थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, ये सब आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना और ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर आता है कंप्यूटर साइंस कोर। तो कंप्यूटर साइंस कोर में आपके आते हैं कोड स्निपेट लाइक सी प्रोग्रामिंग के, डेटा स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन आते हैं, एल्गोरिथम से आते हैं लाइक एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, एंट्रीज। इससे आपके कुछ आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब MCQ क्वेश्चंस का मतलब क्या मतलब है? सपोज ये हुआ कि जैसे आपको कुछ जैसे सपोज आपसे कुछ ऐसे ट्री की प्रॉपर्टी पूछ ली कि अगर इसके इतनी लीव हैं तो इसकी क्या हाइट है, या फिर ट्री की हाइट के लिए कुछ पूछ लिया, या फिर कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दे देंगे? सपोज आपको एक कोड दे दिया जिसमें वाइल ऐसे लगा हुआ है और वाइल के अंदर भी हर बार कोई एन 2 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, n/2 हो रहा है हमेशा। फिर पूछ लेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप पे मल्टीपल चॉइस होती है, तो मल्टीपल चॉइस में आप सेलेक्ट करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक स्कोर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर भी पूछा है क्योंकि सिस्को जनरली इसमें अभी वर्क कर रही है, तो ज़्यादातर इस फील्ड में अगर वर्क करती है तो इसके भी क्वेश्चंस वो पूछ लेती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सेक्शन के हर रोल के लिए पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन ये सेक्शन इस बार तो पूछा गया था, जिसमें आपके लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन, FET हैं, और थर्मल रनवे, वोल्टेज, करंट कैरेक्टर्स ऑफ डेऑइड। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये CSE वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं भी CS का हूँ ना, तो ये CSE वालों के लिए थोड़ी सी ये वाला सेक्शन डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको आया, ठीक है। फिर आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जिसमें आपके बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के। और जितना कंप्यूटर नेटवर्क अपने अकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, उतना आपके लिए इनफ है, उतना आपके लिए इनफ है। नेटवर्किंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, TCP/IP, OSI मॉडल, ये सब, ठीक है। जितना अपन को अकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है उतना ही आप रिवाइज कर लेना, इनफ है, उससे आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये होता है आपका टोटल ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न। और एक आता है आपका कोडिंग क्वेश्चन। अब वो जो कोडिंग क्वेश्चन होता है उसका लेवल मैं मीडियम बोलूंगा, और उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप DSA तो आपको पूरा प्रिपेयर करके जा रहे हैं ऑब्वियसली सिस्को के लिए। इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता जितना आपका मतलब थोड़ी सी मतलब और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आता है, तो उनसे थोड़ा सा आपको सिंपल देखने को मिलेगा। मीडियम लीड कोड का मीडियम लेवल आप समझ सकते हो, ठीक है। DP, ग्राफ, ट्री किसी से भी आ सकता है, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग मीडियम लेवल का एक DSA का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, राइट। Tech 1 की बात करता हूँ। देखो Tech 1 के लिए क्या प्रिपेयर करना है आपको, सबसे पहले देखो DSA तो प्रिपेयर करना ही है ऑब्वियसली, और DSA के सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तब भी सिलेबस नहीं पता कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 180 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक यू फॉरवर्ड, ये एक समरी टाइप की है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसको आपको समझ में आ जाएगा। गूगल पर सर्च कर लेना 180 क्वेश्चन टेक यू फॉरवर्ड, आपको समझ जाएगा, मैं आ जाएगा, ये होता है DSA। तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच पूछी जा सकती है, आपसे कोड कराया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे DSA से, तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा आपसे DBMS, प्रोजेक्ट्स, आपसे नेटवर्किंग और SQL, इसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए ये भी कवर करना है, ठीक है। और हो सकता है आपसे DSA से केवल थ्योरी के ही क्वेश्चन पूछे जाएं और ये सारे सब्जेक्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, बिकॉज सिस्को आपकी नेटवर्किंग पर काफ़ी ध्यान देती है, डेटाबेस पर काफ़ी ध्यान देती है। तो ये भी आपको सिस्को के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। और DSA पे और कंपनीज से इसका लेवल थोड़ा सा कम आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे DSA से आपसे, और अगर पूछेंगे तो ईजी क्वेश्चन ही पूछने जाता है, ठीक है। लीड कोड के ईजी मीडियम लेवल का आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और ये वाली जो शीट मैंने बताई ये मेरे हिसाब से आपसे इनफ है, अगर आप करना चाहते हो प्रिपेयर DSSA को, ये 180 क्वेश्चन आपके इनफ हैं। ओके, तो ये इसका लेवल रहता है। और मेक श्योर आप ये चीज़ें सब अच्छे से पढ़ के जाओ, लाइक DBMS, प्रोजेक्ट नेटवर्किंग एंड SQL, बिकॉज SQL की क्वेरी वगैरह भी वो लोग लिखवा लेते हैं, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर मैं टेक टू की बात करूँ तो टेक टू में जनरली होता क्या है, वो आपसे काफ़ी सारे HR मैनेजरियल क्वेश्चन तो पूछते हैं, साथ में टेक्निकल भी पूछते हैं, लाइक ब्रीफ में आपके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछ लिया, तो जो आपका टेक टू होता है जनरली उसमें DSA के चांस थोड़े से लेस होते हैं कि आपसे पूछा जाए, आपसे मोर ये चीज़ें पूछा जाती है, जैसे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और इन डेप्थ आपका जो टेक स्टैक है उस पर, आपने जो अपनी स्किल्स मेंशंस करी हैं तो उन पे उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज आपने नोड नोड JS मेंशन किया है स्किल में, तो पूछ सकते हैं कि सिंगल थ्रेडेड क्यों है, राइट, जो इसके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने सपोज कुछ और मेंशन किया है, सपोज आपने, ठीक है, आपने स्प्रिंग बूट मेंशन किया है, कुछ भी किया है, तो पूछ लिया जा सकता है कि स्प्रिंग बूट कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं स्किल्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, और इन पे आपसे इनडेप्थ चीज़ें पूछी जाती हैं। नेटवर्किंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो नेटवर्किंग भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है सिस्को के लिए। साथ ही साथ में इसमें आपसे काफ़ी ज़्यादा मैनेजरियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप क्या करोगे कि मैंने एक नीचे एक वीडियो दी है FAQ इन HR राउंड, ऐसे डिस्क्रिप्शन में एक आ रही होगी वीडियो, उसमें एक PDF अटैच है, उस PDF में सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मेंशन है, तो वो आपको क्या करने हैं, उस PDF से वो प्रिपेयर कर लेने हैं ये सारे क्वेश्चंस जो मैनेजरियल टाइप के पूछते हैं, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस और चैलेंजेस इन योर लाइफ, सो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको उस PDF में मिल जाएंगे। तो ये है आपका ऑल अबाउट सेकेंड राउंड जो आपको प्रिपेयर करना है। HR प्लस मैनेजरियल की बात करूँ तो एक बहुत ही ईजी राउंड होता है, इसमें आपसे जनरल HR वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके बारे में पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, क्या करते थे, क्या सोसाइटी ज्वाइन करी थी, कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट अकेडमिक का फेवरेट था, और मतलब बहुत ही सिंपल हो। इसमें एलिमिनेशन के चांस भी काफ़ी लेस होते हैं, ठीक है। ये लास्ट राउंड होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, 20 मिनट्स के समथिंग का होता है ये। थोड़े बहुत बिहेवियर क्वेश्चन आपसे पूछे हो जाएंगे, राइट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बिहेवियर पूछे जाएंगे, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिस्को, और आपका फेवरेट इंटरेस्ट फील्ड क्या है, तो इस टाइप के, तो इजी राउंड होता है बेसिकली। तो ये तीन राउंड है, ये ही डिफिकल्ट होते हैं निकालना। तो दिस इज द होल इंटरव्यू प्रोसेस। आई थिंक मैंने सारी चीज़ कवर कर दिया, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन से रिसोर्स से पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसी टाइप से और वीडियोज़ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।